इक्विलिब्रियम। किसी भी बॉडी पे अगर एक नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हो, ये इधर भी इधर भी इधर भी, ऊपर नीचे किसी तरह किसी डायरेक्शन में भी, सच दैट कि उनका रिजल्टेंट जीरो हो, तो इसका मतलब है बॉडी इज ईदर एट रेस्ट, या तो मूव नहीं कर रही या मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इन बोथ केसेस बॉडी को हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो रेस्ट की एक फॉर्म ही है, क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन जीरो होती है, और आपको पता है कि जब एक्सेलरेशन जीरो होती है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स जीरो होती है। तो जब भी किसी बॉडी पर अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट कर रही हो सच दैट कि उनका रिजल्टेंट जीरो हो, तो बॉडी या रेस्ट की स्टेट में होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। और ऐसी बॉडी को जो रेस्ट की स्टेट में हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, उसको हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है। एक जोक था, दो आदमी एक बहुत भारी अलमारी को सीढ़ियों के जरिए ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो काफी देर कोशिश करते रहते हैं तो ऊपर वाला आदमी पूछता है नीचे वाले से, एक आदमी ऊपर होता है एक नीचे होता है, उन्हें कमर उठाई होती है। ऊपर वाला नीचे वाले से पूछता है कि हम इतनी देर से इस पर जोर लगा रहे हैं, ये अलमारी हिल क्यों नहीं रही है, ये अब तक इसको ऊपर पहुंच जाना चाहिए था। नीचे वाला कहता है ऊपर, अच्छा मैं समझा इसको नीचे लेके जाना है। तो टर्न्स आउट जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं तो बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करती। ठीक है। ऐसी बॉडी को हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। अब इसके आगे हम इसको फर्दर एनालाइज करते हैं। इसेंशियली इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसिडर करती है जब हम लीनियर मोशन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। जब हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, और ये स्टेट करती है कि समेशन, ये एक साइन है सिग्मा जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब होता है सम, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो। यानी यही बात जो मैंने आपको की कि समेशन है ऐड करना, इसका मतलब है कि अगर एक साइड पर फोर्स है तो ये पॉजिटिव होगी, इसके ऑपोजिट है तो ये नेगेटिव होगी, और हम जब इनको ऐड कर देंगे अगर ये इक्वल है और आंसर जीरो आता है तो इसका मतलब है बॉडी इक्विलिब्रियम में। ठीक है। यानी कि सब फोर्सेस जो एक बॉडी पर एक्ट कर रही हैं उनका सम जीरो है, तो इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। इसी को अगर आप एक्सिस वाइज सेपरेट आउट कर लें तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस में सिग्मा एफ एक्स शुड बी जीरो, वाई एक्सिस में सिग्मा एफ वाई शुड बी जीरो। अगेन वेक्टर का साइन, क्योंकि अगर फोर्सेस ऑपोजिट होंगी तो हम उनका साइन भी एक दूसरे के ऑपोजिट रखेंगे। और हम जैसे यहाँ पर ये फोर्सेस हैं, आप हर फोर्स को उसके कंपोनेंट में ड्रॉ कर सकते हैं ना, और उसकी डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अगर हर फोर्स को आप उसके कंपोनेंट्स में ड्रॉ करें और अगेन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें कि एक्स एक्सिस पे एक्ट करने वाली सारी फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर दें, वाई एक्सिस पे एक्ट करने वाली सारी फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो बॉडी जो है मूव नहीं करेगी या इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है। कन्वेंशनली हम क्या करते हैं, अपवर्ड फोर्सेस और राइटवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेते हैं, और इसी तरह डाउनवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स को, जो लेफ्ट पर होती हैं, उनको नेगेटिव लेते हैं। ये हमारी कन्वेंशन है, क्योंकि हमने हमेशा राइट को लेफ्ट के ऑपोजिट लेना है, इस तरह अप और डाउन का ऑपोजिट लेना है, तो हम एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेते हैं। और यूजुअली हम ये करते हैं कि अपवर्ड्स और राइट वर्ड्स को पॉजिटिव और डाउनवर्ड्स और लेफ्ट वर्ड्स को नेगेटिव लेते हैं। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है, जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है इक्विलिब्रियम की, तो हम कहते हैं बॉडी क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। लीनियर मोशन की हम बात कर रहे थे ना, तो हम कहते हैं बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यानी एक स्ट्रेट लाइन में अगर है तो वो मूव नहीं कर रही, या मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ।
वही जो बात हमने की कि रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही बात होती है. तो फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हो तो इसका मतलब है बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में. अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहेगी और हम उसको कहेंगे कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है. अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, तो और हम इसको कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम में. ठीक है, स्टैटिक आपको पता है एट रेस्ट, डायनामिक का पता है जो मूव कर रही होती है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. सो जब वो रेस्ट पर है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, जब वो मूव कर रही है तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है. ये दो प्रॉब्ली आपके लिए नई टर्म्स है, स्टैटिक और डायनेमिक. ये तो बात थी फर्स्ट कंडीशन की जिसमें हमने जिक्र किया सिर्फ लीनियर मोशन का या ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का. अब ये भी तो हो सकता है कि दोनों फोर्सेस कुछ इस तरह एक्ट करें कि आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए, ऐसे भी तो हो सकता है ना. तो हमें ज़रूरत महसूस होती है एक और कंडीशन की जिसको हम कहते हैं सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसको हम स्टेट करते हैं कि सिग्मा टॉर्क इक्वल जीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो अगर हमें चाहिए कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो. यानी कि जैसे ये एक बॉडी है, ये एक फोर्स इस पर लग रही है, ये ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इस साइड पर लग रही है, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, दोनों फोर्सेस सेम है और कैंसिल आउट होगी. ठीक है, इसी को थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया. ये एक बॉडी है, यहाँ पर फोर्स लग रही है, सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स यहाँ पर लग रही है. ठीक है, अब आप देखिए कि ये फोर्सेस ऑपोजिट भी है, सेम मैग्नीट्यूड भी है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन भी है, कैंसिल आउट भी कर सकती है. लेकिन ये फोर्सेस अगर आप लेट्स से कि ये सेंटर पॉइंट जो है ये इसका पिवट पॉइंट है, अगर ये पिवट पॉइंट के गेट बॉडी रोटेट कर सकती है तो इन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट इसको फोर्स करेगा कि ये रोटेट कर जाए. ठीक है, ये इस डायरेक्शन को अभी हम देखते हैं. ये एक फोर्स है, ये मोमेंट आर्म हो गया, ये इसका मोमेंट आर्म हो गया. सो यहाँ पर दो टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और अगर एल क्रॉस एफ हम इस पर निकालें तो ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन बनती है, एल क्रॉस एफ. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन बनती है. यानी ऑल दो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये पिवट पॉइंट फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फिर भी बॉडी जो है वो इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट के अंडर रोटेट कर पाएगी. इसका मतलब है इक्विलिब्रियम में तो ना हुई. ठीक है, इसलिए हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम एक सेकेंड कंडीशन को भी डिफाइन करें जो ये जिसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि सिग्मा टॉर्क इक्वल जीरो, टॉर्क्स ऑल द टॉर्क्स सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो. ठीक है, अगेन कन्वेंशनली हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क्स को हम नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स को हम पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है, अब यानी कि हमारे पास बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए, और ये जो इक्विलिब्रियम है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब है बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था, अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, और बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है. इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स मैं आपको बहुत सारी दे सकती हूँ. फॉर एग्जांपल ये बुक टेबल पे पड़ी है, ठीक है, ये कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रही है, दोनों कंडीशंस कर रही है और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है. इसी तरह डायनेमिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो ये एक पैराशूट है, तो जो पैराट्रूपर है, जो पैराशूट फॉल करता है तो पैराट्रूपर जो है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है. ठीक है, क्योंकि इस पर जो दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होती हैं, इसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करता है और एयर ड्रैग जो है अपवर्ड्स एक्ट करती है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं. ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ. ये एक सीसॉ है, अगर यहाँ जो पर्सन बैठा है और यहाँ जो पर्सन बैठा है दोनों सेम टॉर्क प्रोड्यूस करें, ये मोमेंट आर्म इसका, ये मोमेंट आर्म इसका, दोनों अगर सेम टॉर्क प्रोड्यूस करें तो ये सीसा रोटेट नहीं करेगा. ठीक है, तो ये जो है इस टाइम
ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर भी सिग्मा टॉर्क इक्वल जीरो है, यहाँ पर भी सिग्मा एफ इक्वल जीरो है, और यहाँ पर भी, क्योंकि ये जो बुक का वेट जो फोर्स लगा रहा है इसकी टेबल की रिएक्शन फोर्स उसके इक्वल है, यहाँ पर भी सिग्मा एफ इक्वल्स जीरो है। ये वो कंडीशन है जब बॉडी रेस्ट में है, ये वो कंडीशन है जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। जैसे हमारे प्लैनेट्स अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहे हो तो हम कहते हैं कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, और ये जो है यहाँ पर सिग्मा टॉर्क इक्वल जीरो है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में, सेकेंड कंडीशन यहाँ पर जो है इफेक्ट में है। ठीक है, इसकी और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जब आप अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा।